हैदराबाद आजादी से पहले रिचेस्ट स्टेट था वर्ल्ड का, सबसे अमीर तरीन। इसीलिए 1962 की भारत चाइना जंग में जब भारत परेशान हो गया और लाल बहादुर शास्त्री आके रिक्वेस्ट करे निजाम से, तो 5 टन सोना निजाम भारत की आर्मी को दिए थे। ये है मुसलमान। अल्हम्दुलिल्लाह, भारत की आर्मी से लेके क्वीन एलिजाबेथ पर खर्च तक, गरीबों से लेके अमीरों तक खर्च करे हुए अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुसलमान भारत के अल्लाह के फजल से, जिसका एहसान कयामत तक नहीं उतार सकते कोई भी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। क्वीन एलिजाबेथ, जिनका हाल ही में इंतकाल हो गया, उनकी शादी में महंगे तरीन गिफ्ट में अगर कोई गिफ्ट आया था, तोहफा आया था, तो हैदराबाद के निजाम की तरफ से प्लैटिनियम नेकलेस 300 डायमंड्स वाला था, जो आज भी क्वीन की ज्वेलरी में उनके पास अपने जितने उनके सेट्स है उसमें रखे हुआ है। बताने का मकसद ये था, हैदराबाद आजादी से पहले रिचेस्ट स्टेट था वर्ल्ड का, सबसे अमीर तरीन। इसीलिए 1962 की भारत चाइना जंग में जब भारत परेशान हो गया और लाल बहादुर शास्त्री आके रिक्वेस्ट करे निजाम से, तो 5 टन सोना निजाम भारत की आर्मी को दिए थे। ये है मुसलमान। अल्हम्दुलिल्लाह, भारत की आर्मी से लेके क्वीन एलिजाबेथ पर खर्च तक, गरीबों से लेके अमीरों तक खर्च करे हुए अल्हम्दुलिल्लाह। हम मुसलमान भारत के अल्लाह के फजल से, जिसका एहसान कयामत तक नहीं उतार सकते कोई भी। समझना चाहिए इसको। 17 सितंबर को नेशनल इंटीग्रेशन डे आने वाला है, जान लो निजाम का दौर 48 से पहले गोल्डन एरा माना जाता था, बाद में क्या हाल कर दिए, क्या बर्बादी कर दिए तेलंगाना की, आंध्रा की। फिर भी अब केसीआर साहब अच्छी कोशिश कर रहे, नहीं तो उसके दूसरे लोग तो क्या हाल कर डाले, देख लो। इसीलिए कहता हूं मैं, एक मालिक रब अल्लाह की तरफ आओ, उसी की इबादत, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते की तरफ हुकूमत करने का सही अंदाज आएगा, अल्लाह के कानून को अपनाओ, तो सही तरीके से इंसानी हकूक का एहसास होगा और उम्दा तरीके से मसावात के साथ, इक्वालिटी के साथ बेहतरीन हुकूमत चलाकर दुनिया के लिए मिसाल बन सकते हैं। इस्लाम लाओ, भारत को सऊदी अरब बनाओ, श्रीलंका ने। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए।